कई मशीनें ऐसी हैं जिनकी रिपेयर नहीं होती, जिनके बोर्ड बहुत महंगे हैं, इनके बोर्ड महंगे नहीं। अच्छा। स्पिन पे खड़ा करना चाहिए। अच्छा। और जब खेत में चलाएगा तो स्पिन पे चलाएगा, जिससे ये ऊपर नीचे हो जाए। आप किसी भी बैटरी से चला लेना। अच्छा। 12 वोल्ट 24 वोल्ट जैसे मर्जी आप चलाइए। हाँ। डेमो मैं दूंगा खुद जाकर। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। भाइयों आज की वीडियो में आपको किसान लेवलर दिखा रहा हूँ। और भाइयों ये जो लेवलर है सबसे सस्ता लेवलर होने वाला है। मेरे साथ सर जुड़े हुए जो उसके बारे में बताएंगे, इनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? देविंदर सिंह। सर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है फार्म किंग एग्रो में। अच्छा जी। तो हमारे किसान भाइयों को बताओ, भाइयों ने लेवलर तो बहुत देखे हैं। मैंने वीडियो को शुरू में बोला कि ये जो लेवलर है किसान का लेवलर है, किसान लेवलर है, तो थोड़ा इसके बारे में बताओ। ये किसान लेवलर है, किसान ही चलाएगा, किसानों के लिए ही बनाया गया है। अच्छा। हाँ जी। और बेजोड़ ताकत वाला है, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। किसानों के लिए थोड़ा सा सस्ता दे दिया है। अच्छा। हाँ मतलब किसान की जेब के अकॉर्डिंग बनाया है। हाँ किसानों के लिए अकॉर्डिंग बनाया गया है। अच्छा जी जी। कितने मॉडल आते हैं इसके साथ? इसके साथ ही दो मॉडल आते हैं। अच्छा। एक ये सिंपल मॉडल है जिसे रेगुलर मॉडल कहते हैं, और एक आता है स्पोर्ट्स मॉडल। अच्छा। ये दो मॉडल आते हैं इसके साथ। बिल्कुल। मैं बात करूंगा बकेट के बारे में। बकेट जैसे मान लो किसी को 8 फीट चाहिए, मिल जाएगी? 8 फीट भी मिल जाएगी, 9 फीट भी मिल जाएगी। लेकिन जो रेगुलर मॉडल होता है वो ये 7 फुट वाला ही चलता है अधिकतर। लेकिन यदि हमें किसान कहेंगे तो हम 8 फुट भी 9 फुट भी दे देंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। अब बात करेंगे इसके फ्रेम के बारे में। जी जी। बहुत हैवी लगाया सर आपने। बढ़िया है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। किसी चीज में कहीं कोई कमी नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। अच्छा। टायर भी हमने जेके के दिए हैं। बिल्कुल 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 मजबूत है। आप देखेंगे सिंगल शीट है, इसमें कहीं भी कोई बैंड नहीं है। अच्छा। वेल्डिंग नहीं है। हाँ, बिल्कुल। हाँ इसमें बैल्डिंग मुझे हाँ वेल्डिंग नहीं आएगी कहीं भी। बिल्कुल सिंपल है, एक ही शीट की बनी हुई है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, जी। अच्छा बात करेंगे इसके जैक के बारे में। जी जी। थोड़ा जैक के बारे में बताओ जरा। जैक ये बिल्कुल जैसा है, मतलब मजबूती वाला जैक है। अच्छा, इसका जो फ्रेम है ये धुरा है जी, तो ये लगभग कितने केजी का होगा? इसमें साढ़े करीब 6-6.5 क्विंटल के आसपास समथिंग आता है। अच्छा जी जी। बाकी डबल टायर वाला मॉडल? डबल टायर वाला, इसमें जिग जैक वाला भी आता है, उसे स्पोर्ट्स मॉडल कहते हैं। अच्छा जी जी। जिग जैक वाला मॉडल में उसमें कितना अंतर है सर वैसे? उसमें 25,000 रुपए का फर्क है। अच्छा एक बात हमें और बताओ, जैसे ये डबल टायर वाला मॉडल है तो ये मॉडल ज्यादा कामयाब कहाँ पे होता है सर? ये आप जब खेत में अपना किनारे पे लेके जाते हैं तो ये किनारों की सफाई बहुत अच्छी तरीके से कर लेता है। अच्छा जी जी। और किसी ये जो है इसमें जैसे बड़े डीले होते हैं उनको भी तोड़ लेता है। जिग जैग वाला जो है वो थोड़ा सा डीलों को कम तोड़ता है, जो पत्थर होते हैं जैसे जो कहते हैं पटा हुआ खेत जो होता है उसका। बिल्कुल जी जी। बाकी बात करते हैं टायर के बारे में जी, तो टायर कौन सी कंपनी? जेके कंपनी का है जी। अच्छा सब कुछ ओरिजिनल? ओरिजिनल मिलेगा हर चीज में, किसी चीज में कोई भी कोई वो नहीं करी है, कटौती नहीं करी है। किसान को देना है, किसान हमारे अन्नदाता हैं, किसान को अच्छी चीज ही देंगे, बिल्कुल अच्छी चीज देंगे। सोचा ही नहीं है इसमें किसी चीज की कोई कटौती करें हम। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझे एक बात और बताओ, जैसे ये जो पिन लगी हुई जी है, जी ये हाँ ये जब पिन किसान खड़ा करता है ना मांझे को। अच्छा। तो स्पिन पे खड़ा करना चाहिए। अच्छा। और जब खेत में चलाएगा तो स्पिन पे चलाएगा, जिससे ये ऊपर नीचे हो जाए। और यदि पिन लगाएगा तो ये जैक भी खराब नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा इसकी जो बकेट है जी जी, कितने कलर आते हैं इसके साथ? इसमें हम आपको 4 कलर दे देंगे। अच्छा। जैसे येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, रेड है। और यदि ट्रैक्टर, यदि किसान का ट्रैक्टर जिस रंग का होता है उस रंग का भी हम ट्रैक्टर को अपना बकेट को कलर करके दे देंगे। अच्छा एक बात मुझे और बताओ, जैसे यहाँ पे ये यूपी कोड दिया हुआ है। हाँ तो सब्सिडी हाँ, पास है? हाँ सब्सिडी में पास है। अच्छा। और ये लेजर कटिंग देंगे हम। अच्छा लेजर कटिंग मिलेगी? हाँ हर बकेट के साथ लेजर कटिंग देंगे। बिल्कुल मतलब लंबे समय तक लंबे समय तक चलेगा। बिल्कुल। अच्छा मुझे एक बात और बताओ, ये जो आपने सेफ्टी गार्ड दिया है इसका फायदा क्या है सर? ये बस ये अपना जो बीच में मस्ट होती है ना। अच्छा। ये हिले ना, इस वजह से होता है ये सेफ्टी। हाँ सेफ्टी की वजह से। बिल्कुल। ये इसका हिच हो गया? जी जी। अच्छा हिच देखिए आप कितना हैवी है। बिल्कुल जी बिल्कुल। सर ये क्या चीज है? ये है हमारी मशीनें, किसानों के लिए मशीनें बनाई गई हैं। अच्छा हाँ जी, ये ही लेवलिंग करती हैं खेत के अंदर। बिल्कुल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इनके भी मॉडल आते हैं क्या? यही मॉडल है किसान के। अच्छा जी। तो ये मैंने सुना ये जो मॉडल आप बोला था कि वाटरप्रूफ मॉडल है। हाँ जी हाँ जी, ये वाटरप्रूफ मॉडल। मान लो किसान भाई अगर लेवलिंग कर रहे हैं, अचानक अगर बरसात आ जाती है, बरसात और ट्रांसमिशन खराब नहीं होगा? नहीं नहीं कोई कुछ भी नहीं होगा इनके अंदर। अच्छा जी। थोड़ी इस मशीन के बारे में पहले मुझे बताओ, किसान भाई इसका यूज कैसे करेगा थोड़ा बताएंगे? ये मशीन जो है ट्रैक्टर के ऊपर लगती है। अच्छा। इसके अंदर नंबर आते हैं, टाइम आएगा,
मशीन कितने टाइम चल रही है, यदि कोई फॉल्ट भी आता है तो इस पे एरर लिखा हुआ आएगा। अच्छा जी बिल्कुल जी बिल्कुल। ये हैवी देखिए कितनी हैवी बनाई है हमने। अच्छा मुझे एक बात और बताओ, जैसे ये जो मशीन है, अब वो जैसे कुछ मशीन मैंने देखी है कि ड्राइवर को उतरना पड़ता है सेट करने के लिए, इस मशीन से इस तरीके ये ट्रैक्टर के ऊपर ही बैठ के उठाना? हम ट्रैक्टर में बैठे तो ट्रैक्टर से? हाँ जी, सब कुछ ऑपरेट ट्रैक्टर से ही होगा। अच्छा मैंने एक प्रॉब्लम किसानों की और सुनी है, तो खेत वाले बोलते हैं कि जो ड्राइवर होते हैं, या मतलब मान लो जो ट्रैक्टर का मालिक है, आजकल आपने बताया ट्रैक्टर को ड्राइवर ज्यादा ऑपरेट करते हैं, जी जी, तो जो ड्राइवर होता है वो गपला गिरदी कर देता है। हाँ तो इसमें तो इसमें टाइमिंग आएगी जी। अच्छा। इसमें टाइमिंग आएगी जब आप खेत में शुरू करेंगे, इसमें टाइमिंग आ जाएगी, और जब आपको खेत खत्म कर लिया आपने, लेवलिंग कर लिया, तो फिर रिसेट बटन दबा दीजिए। अच्छा हाँ, दोबारा से फिर शुरू हो जाएगी, नए खेत में दोबारा से शुरू हो जाएगी। ऑटोमेटिक? ऑटोमेटिक नहीं, नहीं रीसेट दबाना होगा आपको। अच्छा ये बटन दबाना? जी ये बटन दबाना होगा। और ये बटन का क्या यूज है? ये जो ये ऑटो में है और मैनुअल है। अच्छा ये ऑन ऑफ का है। अच्छा जी, इसमें एक और चीज दे दी गई है हमने, ये स्विच से भी ऑन ऑफ होगा। अच्छा उसके बाद फिर ऑन ऑफ इससे होगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। और यदि कोई फॉल्ट आता है, कोई वायर खींच जाती है, कुछ आएगा, तो एरर लिखा आएगा और फॉल्ट की बत्ती जलेगी। यहाँ पे लिख के आ जाएगा? यहाँ एक एरर लिखा यहाँ आएगा और यहाँ फॉल्ट की बत्ती जलेगी। बिल्कुल जी बिल्कुल। अब थोड़ा इसके बारे में जानना चाहूंगा मैं, ये क्या चीज है सर? ये देखिए छोटी मशीन है हमारी, लेकिन उस्ताद बहुत बड़ा है, ये पहलवान है हमारा। पहलवान है? जी जी। आपने मशीनें बहुत बड़ी बड़ी देखी होंगी, लेकिन ये मशीन छोटी है। छोटी क्यों है? क्योंकि हवा चलती है खेत में। हाँ जी। हवा चलती है, ये हवा को काटेगा। हवा जब चलती थी बड़ी मशीनें रुक जाती हैं, ये मशीन नहीं रुकेगी। और एक बात, ये आप जो मशीन है ना, आप किसी भी बैटरी से चला लेना। अच्छा 12 वोल्ट 24 वोल्ट जैसे मर्जी आप चलाइए। अच्छा ड्राइवर अपना जो किसान है उनकी शिकायत रहती है, हमने जी ट्रैक्टर की बैटरी से चलाया और हमारी मशीन फूक गई। इसे चलाइए आप जैसे मर्जी चलाइए, कार की बैटरी से चलाइए, कंप्यूटर की बैटरी से चलाइए, ट्रैक्टर की बैटरी से चलाइए, जैसे मर्जी चलाइए। अगर फूक गई फिर? फूक गई तो मैं बैठा हूँ, हम बैठे हैं जी। बिल्कुल जी। अच्छा यहाँ से चार्ज होगी? ये हम चार्ज नहीं, ये यहाँ पर लगेगा और लीड लगती है जी। अच्छा लीड लगती है जी, जी। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो भाइयों देखा आपने छोटू पहलवान का कमाल, अब बात करते हैं इसके बारे में, ये क्या चीज है सर? ये रिसीवर है जी। अच्छा रिसीवर है जी जी, उसके बारे में थोड़ा बताओ। ये ही मशीन के ऊपर लगता है। अच्छा ये लेजर फेंकती है। अच्छा और ये इसे रिसीव करता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे ये जो आपकी मशीन है रेंज कितनी है सर? इसकी 1400 मीटर। 1400 मीटर है जी जी। अच्छा एक बात हमें और बताओ, जैसे मान लो कहीं पर हाई टेंशन लाइट लगी हुई, आपके सामने खंभा लगा हुआ है। जी जी जी। आप किसी को हमें लेवलिंग के नीचे करनी है? जी जी जी। तो दिक्कत तो नहीं? ये बिंदास चलेगी जी, बिंदास चलेगी। मेरे पास आपको ऐसी ऐसी वीडियो दिखा दूंगा, इतने इससे बड़ी बड़ी जो तारे हैं वो चल रही हैं और उसके नीचे हमारा ट्रैक्टर चल रहा है और लेवलिंग कर रहा है। नहीं काफी सुना होगा आपने? नहीं मैंने सुना है, लेकिन इसके अंदर कोई कमी नहीं है, कहीं से कहीं कहीं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल जी बिल्कुल। सर आपने मशीनों के बारे में तो बता दिया, ये तो नई मशीनें हैं। अब मान लो किसी किसान भाई के पास पुरानी मशीन है जी, वो खराब हो जाती है, तो क्या आप रिपेयरिंग भी कर देते हैं? रिपेयरिंग भी करेंगे। अच्छा रिपेयरिंग हो जाती है? रिपेयरिंग भी होगी। और एक चीज और बात, कई बार क्या होता है कि किसानों के पास ऐसी ऐसी मशीनें हैं जो खराब हो जाती हैं और उसकी रिपेयरिंग नहीं हो पाती। उनकी रिपेयरिंग नहीं हो पाती कोई बात नहीं है, लेकिन इनकी रिपेयरिंग है, इनका बोर्ड भी नहीं बदला जाएगा और बहुत कम पैसों में रिपेयरिंग हो जाएगी इनकी। अच्छा जी। कई कई मशीनें ऐसी हैं जिनकी रिपेयर नहीं होती, जिनके बोर्ड बहुत महंगे हैं, इनके बोर्ड महंगे नहीं है बिल्कुल भी, इनकी रिपेयरिंग बहुत सस्ती है। अच्छा। बहुत ज्यादा सस्ती है, किसानों के लिए हमने किसानों के लिए बनाया है और किसानों को बिल्कुल भी तंग करने वाली चीज नहीं है इसके अंदर। इसीलिए नाम है किसान लेजर। किसान लेजर किसानों के लिए बनाया, किसान ही चलाएंगे इसको और ये दोनों चीजें चलेंगी सेम, एक साथ चलती हैं। अच्छा जी। ये अलग चल जाएगा, किसी भी मशीन पर चल जाता है, लेकिन ये दोनों एक साथ चलती हैं। बिल्कुल जी। आपकी जो लोकेशन है कहाँ पे है दुकान की? लोकेशन हमारी जी हापुड़ के अंदर ततारपुर बाईपास मोड़। बिल्कुल जी जी, वहाँ पर है हमारी। अच्छा हाँ, फार्म किंग एग्रो करके नाम है दुकान का। अच्छा जी जी। तो जो मेरे किसान भाई आपको देख रहे हैं, पूरे देश की जनता आपको देख रही है, कहाँ कहाँ के लोग इसे खरीद सकते हैं सर? ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया? हाँ मैं ऑल ओवर इंडिया देने के लिए तैयार बैठा हूँ। अच्छा। और सर्विस भी दूंगा। सर्विस देंगे? सर्विस भी दूंगा। देखो सर सोच समझ के मैं कह रहा हूँ, सर्विस भी दूंगा, खेत के अंदर सर्विस दूंगा। खेत के अंदर सर्विस? जी जी। तो अभी तो दुकान में तो आप अकेले बैठे हो? नहीं नहीं, मेरे पास फील्ड में लड़के हैं। लड़के हैं? जी जी फील्ड में लड़के हैं। अच्छा मान लो किसी किसान भाई ने आपका लेजर लेबर खरीदा जी, तो उसे कैसे इंस्टॉलेशन के बारे में कैसे बताएंगे? मैं खुद जाके दूंगा। अच्छा हाँ, डेमो मैं दूंगा, खुद जाकर दूंगा। मैं दूंगा या मेरे दुकान के लड़के दें, हम जाके खुद देते हैं, डेमो देंगे। बिल्कुल जी जी। तो खरीदने के लिए से मान लो कोई बंदा लखनऊ से देख रहा है या गोरखपुर से देख रहा है या पंजाब हरियाणा से देख रहा है, अब उसे वीडियो देख के पसंद आ गया,
तो कैसे कितने पैसे देके अपने घर पे वो मेरे पास आए? अच्छा, नहीं आ सकते तो मुझे फोन करें। अच्छा हाँ, थोड़ी सी फॉर्मेलिटी होगी वो मैं पूरी करके मैं उनके ट्रांसपोर्ट से भी उनके पास मैं माजा भेज सकता हूँ। अच्छा जी जी, तो उन्हें फुल पेमेंट करना पड़ेगा या फिर मतलब वो कैसे करना? नहीं, वो फुल पेमेंट तो करना होगा जी। जी जी जी, तो भाइयों नंबर क्या सर आपका? मेरा है जी 9634433555। तो किसान भाइयों खरीदने के लिए सर जी के दिए गए नंबर पर संपर्क करें, नंबर हम आपको वीडियो में लगा देंगे, ठीक है। और बाकी जो मेरे किसान भाई वीडियो देख के यहाँ पे आते हैं तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा और लेवल के आपको जितने मॉडल चाहिए वो मॉडल मिल जाएंगे। हाँ, मॉडल सब मिल जाएंगे, कलर भी मिल जाएंगे। कलर भी मिल जाएंगे? जी जी, कलर भी मिल जाएंगे। अच्छा, ये खराब होगी तो बदल के दोगे? नहीं बदल के नहीं, इनका जो भी होगा इनके छोटी बड़ी दिक्कत होगी वो बदली जाएगी। अच्छा जी जी जी। अब मान लो उसमें कोई दिक्कत आ गई बकेट में, वो भी पूरा काम किया जाएगा। जो यदि उसमें पहली बात तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, यदि कोई आती है तो उसका भी काम किया जाएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, किसान के लिए हमने बनाया है, किसान को दिक्कत कभी भी नहीं होने देंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो किसान भाइयों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।